अब देखें देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में कपड़ा व्यापारी की पत्नी की मौत पर मायके पक्ष के लोगों ने आज जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि पति सहित ससुरालजनों ने मिलकर हत्या कर दी है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। फिलहाल पुलिस ने समझाइश देकर मामले को शांत करा दिया है और शव पीएम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दरअसल यह मामला शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र घोघर मोहल्ले का है, जहां गुरुवार की देर शाम कपड़ा व्यापारी जीतू कुलस्वानी की पत्नी वंतिका कुलस्वानी का शव घर के अंदर फांसी पर लटकता हुआ देखा गया है। महिला के मौत की खबर सुनकर कटनी से रीवा पहुंचे परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। हालांकि विवाद को बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कटनी निवासी वंतिका का विवाह 6 वर्ष पूर्व रीवा निवासी कपड़ा व्यवसायी जीतू कुलस्वानी के साथ संपन्न हुआ था। मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के 2 साल बाद ही ससुरालजन द्वारा दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा था। इतना ही नहीं, आरोप है कि बच्चे को जन्म देने पर उसे मारने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद समाज के ही वरिष्ठ जनों ने आपसी समझौता कराया था। मेरी बच्ची को मार डाला गया है, दहेज लोभियों ने मेरी बच्ची को मारा है। हमेशा उन बच्चियों से मेरी बच्ची से दहेज मांग मेरे से दहेज की मांग करते थे और मेरी बच्ची को उन्होंने निर्मम हत्या की है, फांसी पे लटकाया उन लोगों ने। इसके 4 आरोपी हैं। क्या नाम उनके? जितेंद्र कुमार पुरुषवानी, अशोक कुमार पुरुषवानी, रजनी पुरुषवानी और उसकी जितेंद्र कुमार की बहन जो आगरा से आई हुई है। इसके पहले आपकी बच्ची ने आपको बताया था कि दहेज के लिए? मेरी बच्ची को दहेज के लिए कई बार इन लोगों को वापस भेजा था, जिसका कि मेरे पास प्रमाण पत्र है। इनका मैंने वो क्या बोलते हैं करवाया एफआईआर का? नहीं, एफआईआर नहीं करवाया था मैंने इनसे, लिखित में लिया हुआ मेरे पास इनका बयान मौजूद है, जो कि मैं 2 दिन के बाद सरकार के सामने पेश कर सकता हूँ। तो आपको शंका है कि इनकी आत्महत्या नहीं, हत्या की है मेरी बेटी की, 110% हत्या की गई है। इसका प्रमाण दूंगा मैं कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। 3 मुख्य आरोपी फरार थे, रात भर कहाँ थे? 9 बजे सुबह। इसका सवाल सरकार पूछेगी इनसे, कानून पूछेगा। अभी एक लड़की नहीं आई है और एक मुख्य आरोपी जो कि उसकी धर्म पत्नी खत्म होने के बाद पलंग पे गद्दा ओढ़ के सो रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ अभी। एक आरोपी नहीं आया, उसकी बच्ची। एक आरोपी उसकी बहन कौन कौन फरार है? कौन कौन फरार है? रजनी, अशोक और उसकी बेटी, तीनों फरार थे। पूरी रात भर सुबह साढ़े आठ नौ बजे वापस आए हैं पंचनामा होने के बाद। फिर भी एक जन नहीं आया, जबकि रजनी ने ही दरवाजा खुलवाया था, रजनी ने ही सब कुछ किया था, उसके बाद पंचनामे में वो मौजूद नहीं थी। इधर मामले में ससुरालजन के लोगों ने वंतिका द्वारा सुसाइड करना बताया है, लेकिन सुसाइड का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष के विवाद को शांत कराने के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।